हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबन और मैं लेके आया हूं काली माँ की गाइडेंस। वेल, सुबह आप लोग देखे होंगे कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया और उसका कोई साउंड नहीं आ रहा था। इट्स अ क्लियर कट साइन कि माँ काली के साथ काम करने के टाइम पे ये छोटे मोटे दिक्कतें आपको काइंड ऑफ आप फेस कर सकते हो। आप इसको दिक्कतें नहीं बोल सकते हो सकता है कि वो मैसेज कुछ पर्टिकुलर पीपल के लिए था, उस पे आप लोग कुछ देख पा रहे थे बट सुन नहीं पा रहे थे। तो आई थिंक एवरी थिंग इज अ साइन। ओके, सो ये वीडियो में फिर से मैं लेके आ रहा हूँ इलाबोरेटेड वर्शंस में। पहले ए वन कार्ड रीडिंग था और माँ शायद इस रीडिंग को बहुत एलाबोरेटली आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। सो इसीलिए ये रीडिंग होगा सेम टॉपिक पे कि वेयर डू यू नीड टू फोकस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आपको कहाँ पे फोकस करनी है। एंड ये वीडियो में हम देखेंगे कि माँ किस तरीके का डायरेक्शंस या फिर गाइडेंस आपको दे रहे हैं। कलेक्टिव है, टाइमलेस भी है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, सो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापो हरणी धर्मर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। ओंकारलबदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिब्बं मुन्नमाला विभूषितं सदाचिन्न शिरोखर्गो वामाढ्योकर्णभुजं अभयंवरदं चैव दक्षिणार्द्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगंबरीं कण्ठावसक्तमण्डलीकलधरूधिरचर्चितं कर्णावसं सततीनाथशवोज्जुमुपायनकं कृतदष्टङ्कलशङ्कीर्णोद्भवदनं सवनङ्कृतसङ्घातकितुत्कञ्चसुमुखीं शुक्रधारविस्फुरितं नमो गुरुभयं महर्दिसुनिवासिनं बालार्कमण्डलाकारलोचनं त्रिवनितं दन्तरं दक्षिणोऽभ्यपिलमुमानोकचरं स्वरूपमहादेवहृदयपरिस्मृतं शिवाभिगुरुरावाभिचतुर्दिक्समन्वितं महाकर्ण समं विपरीत तातुरं सुख प्रसन्न वदनं शरणं सर्वम एवं संचित काली धम कमर्तम कदम। जय माँ काली। प्लीज ब्लेस ऑल ऑफ अस। लेट्स सी माँ आपको कहाँ पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। लेट्स सी। फर्स्ट, विश्व माता माँ कल भी आए थे एंड आज भी आ रहे हैं, सो ट्रस्ट वेरी बीइंग लीड। यहाँ पे साफ मैसेज है कि जिस तरीके से जिस जो जो तरीका आप अपना रहे हो वो सही अपना रहे हो। विश्व माता माँ आपको एक एडवांस हैप्पी वेलकम का मैसेज दे रहे हैं कि वेलकम टू योर फ्यूचर, वेलकम टू योर प्रेजेंट। क्योंकि माँ देख रहे हैं कि आप कुछ रियलाइज कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से रियलाइज कर रहे हो आपके लाइफ को, अपनी लाइफ को। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि किस तरीके का, आप अभी बहुत ही नर्चरिंग किस्म के एक पर्सन में बदल रहे हो। आप देखोगे कि स्लीपिंग पैटर्न बढ़ गया है, काइंड ऑफ मूड स्विंग्स हो रहा था उसको कंट्रोल किए हो, वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो। सो जो जो जगह पे आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसमेंट है, जो जो जगह आपके कंट्रोल से भी ज़्यादा टफ था या फिर आपके कंट्रोल का बाहर था चीज़ें, उस जगह पे आप फोकस कर रहे हो and you are doing really good। विश्व माता माँ और एक मदरहुड के लिए इंडिकेशंस दे रहे हैं। सो अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई चीज़ को लेके बहुत परेशान हो तो परेशान होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो सक्सेसफुली सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। सेकेंडली, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि एज अ मॉम यू आर हेल्पलेस, आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता नहीं है कि आपके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, तो भी माँ आपको बोल रहे हैं कि एक अश्योरिटी दे रहे हैं कि उन लोगों के स्वभाव के ऊपर फोकस कीजिए, उन लोगों के एक्शंस के ऊपर नहीं। एक बिहेवियरल चेंज आप नोटिस करोगे, आपके साथ आपके बच्चे का रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। बट यहाँ पे अगर आप एक एक डॉटर हो किसी के और ये वीडियो देख रहे हो, या फिर सन हो किसी के ये वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है कि भले आपके साथ पहले आपके पेरेंट्स का या फिर माता का उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, तो ये रिलेशनशिप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जा रहे हैं। ट्रस्ट वेरी यू बीइंग लीड, जिस तरफ जा रहे हो वहाँ उस जगह को विश्वास करिए। ये मैसेज किसी किसी के लिए एक साइन है कि डू नॉट फोकस ऑन रिजल्ट्स, जस्ट एक्सपीरियंस योर जर्नी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो अगर आप सोच रहे हो कि क्या आप सही पद पे हो, यस। क्या आप सही तरीका अपना रहे हो, वो भी यस। बट क्या आप फोकस्ड हो, तो वहाँ पे बात आ रही है कि नो। कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो बीच बीच में, ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाते हो, लोग आगे बढ़ गए आप पीछे पड़ गए, या फिर आपका उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है, या फिर छोटे छोटे चीज़ को लेके आपको बहुत परेशान होना पड़ रहा है। ये सब चीज़
को शायद आप बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे थे, ये सब चीज़ शायद बहुत एक इम्पॉर्टेंट था, या फिर ये सब चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मैं आपको ये बोल रहे कि नहीं, आपको ये सब छोटे छोटे चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करनी है, आप अपने सोल पर्पस, अपने सोल के जो गोल है उसको लेके चलिए। धीरे धीरे चीज़ें डिस्कवर हो जाएंगे। माँ आपको काइंड ऑफ इनडायरेक्टली बोल रही है, जिस जगह पे शायद आप हो, शायद आप क्या, आपके जैसे कोई और भी पर्सन इस जगह पे नहीं रहना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही अनकंफर्टेबल एक जगह पे आप हो। बट जिस तरीके का अवेकनिंग हो रहा है, जिस तरीके का स्वीट आउटकम आपके लिए वेट करे, स्वीट रिजल्ट्स आपके लिए वेट करे, उसका कोई अंदाजा तक नहीं है आपके। सो फ्यूचर ब्राइट है, कहीं ना कहीं फोकस करनी चाहिए आपको फ्यूचर के ऊपर, एंड एट द सेम टाइम फोकस करनी चाहिए आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जिस तरीके से आप एवरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जिस तरीके से खुद को लीड कर रहे हो, जिस तरीके से आप लोगों को सलाह दे रहे हो, जिस तरीके से आप अपना घर चला रहे हो, आई थिंक वो स्ट्रैटेजीज के ऊपर फोकस करनी चाहिए आपको। फिलहाल माँ आपको बोल रहे हैं कि आंखें बंद करके एक ही चीज़ विश्वास करिए, वो है माँ है, और माँ सबका ख्याल रखती है। कहीं ना कहीं विश्वमाता माँ आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके सोचने के लिए बोल रहे हैं, लाइक डिप्लोमेटिक मत हो जाइए। कभी कभी खुद के हक के लिए आपको बोलना पड़ता है। सो ऐसा अगर आपका नेचर है कि आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते हो, इवन सब लोगों के लिए आप टाइम निकालते हो बट खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर घर का प्रायोरिटीज के ऊपर आपका फर्स्ट फोकस जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ कभी कभी खुद के नीड्स के ऊपर भी फोकस कीजिए। कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो चीज़ को आपको खरीदनी है बट घर के वजह से आप वो चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे, इमोशनल साइड को आप कंप्लीटली अनदेखा कर रहे हो। लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, लोग हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं आप बात करोगे, कॉल करोगे, तो अगर बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा वर्क के ऊपर फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अपने फैमिली के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करनी है। कहीं ना कहीं कोई ऐसे फ्रेंड है जो चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त कंप्लीटली प्रैक्टिकल होके कोई गोल को चीज कर रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो। माँ आपको ये भी बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट होने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी फैमिली को निग्लेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, या फिर अगर आप थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे या फिर फैमिली के साथ बात करेंगे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेनली मैं आपको बोल रही कि एक स्ट्रॉन्ग मदर की तरह मैं आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। मदर मतलब सिर्फ एक फेमिनाइन जेंडर नहीं है, मदर मतलब एक तरफ आप लीड भी करोगे, दूसरी तरफ आप प्यार भी करोगे, एक तरफ आप एंटरप्रेन्योर भी बनोगे, दूसरी तरफ आप एक मदर भी बनोगे। सो आपके जो नेचर है, जो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एंड स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन नेचर को एकदम एक एक प्रॉपर बैलेंस में माँ लेके आ रहे हैं। विश्व माता माँ आपको वो बैलेंस के ऊपर फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। माँ आपको वर्कोहॉलिक बनने के लिए भी नहीं बोल रहे, एंड एट द सेम टाइम माँ आपको एकदम बहुत ज़्यादा घरेलू भी नहीं होने के लिए बोल रहे, एक एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलना चलने के लिए बोल रहे। ना आपको कम्प्लीटली फोकस करना होगा बाहर के दुनिया के ऊपर, ना आपको कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहना है अपने घर के ऊपर। सो कहीं ना कहीं एक मॉडरेट अप्रोच लेके चलिए, वहाँ पे फोकस करिए। लेट्स सी और कहाँ पे माँ बोल रहे फोकस करने के लिए। या धूमावती माँ, नाउ राइट डाउन योर फेसिंग चैलेंजेस। इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा या फिर अर्ली एज का कोई चीज़। कहीं ना कहीं धूमावती माँ जब अपीयर करते, ये एक रिमाइंडर है कि इस टाइम पे लाइफ बिखर सा गया है। सो अगर आप अपने नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, ये आपके स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। सो आपको ये फोकस नहीं करनी चाहिए कि कितना बड़ा स्ट्रगल है, रादर आपको ये फोकस करनी चाहिए कि ये टेम्पररी फेज़ है, जितना भी भयानक फेज़ है ये टेम्पररी फेज़ है और ये टेम्पररी फेज़ ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी। लाइक धूमावती माँ अक्सर तभी अपीयर करते हैं जब समझ में नहीं आता है आपको कि कैसे आप आगे बढ़ेंगे। लाइफ को एक एक दिन को बिताना जब मुश्किल हो जाता है, सर के ऊपर जैसे कि मान लो बादल गिर गया है। सो काइंड ऑफ ऐसा आपके लाइफ में है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को, जो अंदर से बहुत टूट चुके हो, रिजेक्टेड हो, सारी जगह से फेलियर मिल रहा है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग मज़े कर रहे हैं, लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आप अकेले हो। धूमावती मतलब क्या है?
कि माँ आए हैं एक वीडो के फॉर्म में। वीडो को इंडियन ट्रेडिशंस में उतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। सो आपको माँ देख रहे कि लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, रिजेक्टेड कर रहे हैं, लोग आपके नीड्स को समझ नहीं रहे हैं, यू नो, आपके ऊपर इम्पोज कर दे रहे उन लोगों का रॉन्ग जजमेंट्स, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप रो रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हो। वेल, ये चीज़ क्यों आप एक्सपीरियंस कर रहे हो? ये चीज़ इसीलिए एक्सपीरियंस कर रहे हो क्योंकि ये वक्त है आपको अपने इनर स्ट्रेंथ के बारे में जानने का, कि आप कितना शक्तिशाली हो। अगर ये सिचुएशंस आपके लाइफ में इस टाइम पे नहीं आते तो आपको पता नहीं चलता। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर टाइम पे एक टफ, एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस के अंदर ही आपको अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दिखना पड़ेगा। नो, इसका मतलब ये नहीं है कि पेन को हमेशा महसूस करना पड़ेगा तभी जाके आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। नो, यहाँ पे मैं आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये चीज़ इस टाइम पे माँ इसीलिए लेके आ रहे हैं ताकि फ्यूचर में जाके इसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, ताकि फ्यूचर में जाके आपको छोटे छोटे चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। नेचुरली धूमावती माँ जब अपीयर करते हैं तो ये बैड न्यूज़ या फिर बैड फैमिली या फिर बैड प्रोफेशंस या फिर बैड हेल्थ रिलेटेड चीज़ को लेके ही आते हैं। तो डेफिनेटली आप कुछ ऐसे नेगेटिव सिचुएशंस को फेस कर रहे हो जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो यहाँ पे माँ आपके लिए एक ही बात बोल रहे हैं कि माँ आपके साथ है और आपके साथ भी रो रही है। ऐसा नहीं है कि माँ ये सब देख के चुप बैठी है, बट माँ को पता है कि ये चैलेंज आप ही को ओवरकम करनी है। ये चैलेंज आपको इसीलिए, इस चैलेंज में आपको इसीलिए डाला गया है ताकि आप स्ट्रांग होकर ओवरकम कर सको, ताकि आपको और डाउट ना आए। सो फिलहाल जितना भी रिजेक्टेड, जितना भी ब्रोकन आप हो, ये टेम्पररी है। सो फोकस आपको करनी चाहिए कि हाँ, फ्यूचर और कुछ दिन बाकी है, उसके बाद एकदम प्रॉपर अच्छे वाली साइकिल आपके लाइफ में आएंगे। फिलहाल चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, रिजेक्टेड हो रहे हो, बहुत बुरी तरीके से फंसे हो और कहीं से भी कोई दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा है, और जो भी करनी है इस टाइम पे वो आप ही को करनी है। सो यहाँ पे फोकस है कि हाँ, हेल्प है, यहाँ से आप बाहर आ सकते हो। ये एक टेस्ट है, ये टेस्ट में आप इसीलिए आए हो। हो सकता है कि आपके प्रायोरिटीज थोड़ा सा अलग था, बट एक एक दिन आपको कुछ नए सिखा रहे, उसको नोटिस कीजिए। सेल्फलेस एटीट्यूड के ऊपर नोटिस कीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी आपके लाइफ से चला गया है, अभी आप दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के लिए जीते हो, कहीं ना कहीं और भी अनकंडीशनल हो रहे, खड़ा सोना जिसको हम बोलते हैं। सो धूमावती माँ अक्सर एक चैलेंज को लेके आते हैं, बट धूमावती माँ एक एश्योरेंस भी देते हैं कि ये चैलेंज आप ओवरकम करते हो, कर सकते हो, कि ये भी हो। सो यहाँ पे आपको कहाँ पे फोकस करनी है? सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करनी है। आप खुद ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आप गिव अप करने के लिए सोच रहे हो, डोंट गिव अप, आपको लेके ही जानी है। बट किसी किसी के लिए ये एक मैसेज है कि शायद जिस पथ पे आप चले थे, आई थिंक वो पथ खत्म हो गया है, आई थिंक वो पथ पे आप और नहीं जा सकते हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये बात आपको भी पता है कि कोई जगह है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप, कोई घर, कोई ऑफिस, या फिर कोई फ्रेंडशिप, या फिर कोई पर्पस, बिजनेस, जो भी है, उसमें आप जिस तरीके से सोच रहे थे, आपको अपना सोच बदलनी है, आपको अपना इरादा बदलनी है, आपको अपना जो स्ट्रेटजी है उसको बदलनी है, और कहीं ना कहीं एक उस लॉस को आपको अपनानी है, लाइक जो भी लॉस हो रहा है उसको अपनाइए, एंड देन उस चीज़ को मॉडिफाई करके आगे बढ़िए। लाइक जब आप दर्द को दर्द की तरह नहीं देखते हो और उसको एक लेसन की तरह देखते हो, तब जाके आपको विजडम मिलता है। लाइक आपका कोई, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पोर्शंस वुंडेड है, और उस वुंडेड जगह को अगर आप बहुत ज़्यादा टच करोगे तो उसमें ज़्यादा पेन आप महसूस करोगे। बट अगर आप सिर्फ ये चीज़ को याद रखेंगे कि क्यों आप वुंडेड हुए वहाँ पे,
क्यों आपको बहुत बुरी तरीके से चोट लगा। तो चोट का वजह को अगर आप याद करके रखोगे तब जाके आपको एक एक अंदर से आप कॉन्शियस हो जा रहे हो कि नहीं बाबा मैं वो किया तो उससे मेरे को ये चोट मिला। बट अगर आप सिर्फ बहुत पेन हो रहा है बोलते रहोगे उसमें दर्द घटेगा नहीं। तो यहाँ पे बात है कि हर छोटे छोटे चीज़ को नोटिस करो कि कौन आपको सलाह दे रहे हैं। रिजेक्टेड तो हो रहे हो बट इस टाइम पे भी कौन आपके सपोर्ट करे, इस टाइम पे भी कौन से मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, इस टाइम पे भी क्यों पॉजिटिव लोग बात बोल रहे हैं। दैट मीन्स कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम्स है, नहीं तो लोग क्यों बोलेंगे। तो अपना जब हम लोग रिजेक्टेड हो जाते हैं ना तब जाके क्या लगता है कि शायद हम लोग कुछ गलती किए हैं, शायद बंद करनी चाहिए कुछ चीज़ों को। वेल हम लोग गलती नहीं किए, चीज़ों को हम लोग स्टार्ट किए बट हमारे इरादा गलत था। हमेशा हम लोगों को सिखाया जाता है कि बिजनेस करिए अपना प्रॉफिट देख के। क्यों? लोग तो एक एक सोल पर्पस की तरह भी अपना बिजनेस को लेके चल सकते हैं, लोग तो दूसरे लोगों को भला करने के लिए भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो हो सकता है कि आप प्रॉफिट के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें थे, अभी आप देखोगे कि नहीं ये बिजनेस मेरे बच्चे हैं तो इसको लेके मैं चलूँगा चाहे जो भी हो जाए, हो गया ना। सो तब जाके आपको क्या लगेगा, ठीक है लॉस है बट एक ना एक दिन मेरा इरादा अगर सही रहा तो सही सब कुछ सही तरीके से होगा। ए बी, मान लीजिए कि आप सोचे थे कि कुछ चीज़ पे आप करोगे और कोई काम करोगे और उससे आपको बहुत तरक्की मिलेगा बट बहुत साल हो गए कोई तरक्की नहीं मिल रही। तो बेसिकली आप काम इसीलिए कर रहे थे तरक्की के लिए, आप उस काम को प्यार नहीं कर रहे थे। तो वक्त आ गया है कि उस काम को प्यार करिए और तरक्की के बारे में अभी मत सोचिए। सो जिस तरीके का आपका माइंड सेट है उसमें अगर आप चेंज लेके आओगे तब जाके आपको एक प्रॉपर तरीके का रिजल्ट्स मिलेगा। नाउ रिजल्ट्स के बारे में अगर आप पहले ही सोच रहे हो सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, तब जाके आपको कुछ नई चीज़ ट्राई करनी है। सो मान लीजिए कि आप कोई एग्जाम्स दे रहे हो और एग्जाम्स पे आपको फेलियर आ रहा है, तो मतलब क्या है कि आप रिजल्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपको कुछ सीख नहीं मिल रहा है, आप सिर्फ लेसन को पढ़ रहे हो जस्ट टू गिव अ गुड एग्जाम। नो, यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लव, यू हैव टू लीव एंड देन तब जाके आपको रिजल्ट्स का ज़रूरत नहीं होगा बिकॉज आप ऑलरेडी उस चीज़ पे माहिर हो जाओगे। सो धूमावती माँ वो चीज़ सिखाते हैं कि रेक्टिफाई वो कराते हैं कि आप ये सोच के ये नहीं कर सकते हो, लाइक प्रॉफिट सोच के आप ये कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। जब तक ना आप उस बिजनेस को प्यार कर रहे हो, जब तक ना वो काम को आप प्यार कर रहे हो तब तक आप वो काम नहीं कर सकते हो। किसी के लिए ये कॉन्सेप्ट होता है कि पूजा करूंगा नहीं तो माँ शाप दे देंगे या फिर नहीं तो माँ बहुत गुस्से में आ जाएंगे, बिल्कुल गलत है। आपके करियर के सक्सेस के साथ आपका स्पिरिचुअल लाइफ का कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये लोग जो करते हैं वो बोलते हैं बट डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने स्पिरिचुअल पथ पे आए हो बिकॉज फॉर योर सोल, नॉट फॉर योर जॉब, नॉट फॉर योर मनी, नॉट फॉर योर एनीथिंग इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपके लिए पैसा या फिर स्टेटस, ब्रांड ये सब मैटर नहीं करेगा। बट क्या हो जाता है, ये जो ज़माना है ये ज़माना हम लोगों को पुश करते हैं उन लोगों की तरह बनने के लिए। सो ऐसे ही एक सिचुएशन है जहाँ पे शायद आप कुछ गलत अप्रोच के साथ गए थे या फिर कुछ गलत फ्रेंड, गलत लोगों के साथ मिले थे या फिर गलत तरीके से सोच रहे थे। नाउ धूमावती माँ आपको फोकस करने के लिए बोल रहे कि गेट बैक टू योर ओन ट्रैक, जो जगह आपके लिए है, जो चीज़ के लिए आप बने हो उस पर फोकस करिए। व्हाई यू आर फोकसिंग ऑन दोज एस्पेक्ट, ये जो बाहर की दुनिया है ये टोटल फेक है। यहाँ पे पूजा भी लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है, यहाँ पे स्टेटस भी मेंटेन किया जाता है लोगों को दिखाने के लिए, यहाँ पे लोग जीते नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए ही ये लोग करते हैं काम। कोई भी पर्सन को अगर आप नोटिस करोगे बहुत ही कम लोग होंगे जो लोग प्राइवेट है आजकल के ज़माने में, सभी लोगों के लाइफ पब्लिक, सबको पता है कि किसके लाइफ पे क्या चल रहा है। सो ये अप्रोच बहुत गलत है। कहीं ना कहीं आपको माँ इस टाइम पे बोल रहे कि थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्या प्रॉब्लम है खुद के साथ बात कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि इसके कारण आप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हो। द मोमेंट यू आर गोना पॉइंट आउट दीज थिंग्स आप बहुत ही जल्दी हील हो जाओगे। सो ये मैटर नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दलदल में फंसे हो, ये समाज आपको और निगेटिव सोच डाल रहे हैं आपके अंदर,
तो ये पहले ये सब नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करना बंद कीजिए, आपके प्रेजेंट जो प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ही जल्दी। सो बेटर वेट कीजिए एंड एक तरीका अपनाइए डिफरेंट तरीके से कि आप खुद कैसे आपके सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। आपके पास ऑप्शंस है, शायद आप वो देख नहीं रहे हो, आई थिंक माँ आपको बोल रहे कि इतने घने अंधेरे के अंदर में भी एक उजाला छुपा है, आई थिंक यू रियली नीड टू डिस्कवर इट। लेट्स सी और क्या मैसेज आपको माँ दे रहे हैं इस वक्त। यस, कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। श्री बाला माँ एक्चुअली ये एक यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे सबके अंदर एक बहुत ही ब्रेव यूथ छुपी है। कहीं ना कहीं माँ आपको पुश करे कि आगे बढ़े, आप यूनिक हो, भले आप लोगों से बहुत अलग हो, आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हो, बट आपके नज़रिए से बहुत लोगों का ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपके नज़रिया समाज के अंदर पीस लेके आ सकता है। आप जिस तरीके से अपने लाइफ को लीड कर रहे हो, आप वहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने पास्ट को आप छोड़ना होगा, कहीं ना कहीं और डिटरमाइंड होना होगा। ये टेस्ट इसीलिए माँ आपको ले रहे हैं ताकि आप अपने सपनों को पहचान सको, ताकि आप अपने सपनों के साथ जी सको। आपको पैसा कमाना नहीं है लाइफ में, आपको अपने सोल अथॉरिटी के साथ जीना है, आपको अपने मोरालिटी के साथ जीना है। पैसा, पावर एंड एट द सेम टाइम ये जो नेम एंड फेम है, ये बहुत ही छोटे चीज़ है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ आपको बोल रहे हैं कि आपका लड़ाई समाज के साथ नहीं है, आपका लड़ाई खुद के साथ है। अक्सर आपके अंदर का जो ग्रीड, आपके अंदर का जो ईगो, आपके अंदर का जो सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिशनेस है, इसी को बीट करना है आपको। आई थिंक आपको आगे बढ़नी है एंड तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं जब आप ये जो मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट है कि इस चीज़ को ऐसे करिए, ये पढ़ाई कीजिए, इस पर आपको इतना बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको वो बेनिफिट मिलेगा, ये मंत्रा वो मंत्रा, ये पूजा, ये सब फेक है। व्हेन यू लाइक यू हैव टू फोकस ऑन कि आपके सोल क्या चाहता है, कि 10 बार आप समझ भी नहीं रहे हो उस मंत्र को, वो चैंट करें या फिर सिर्फ माँ को बहुत अच्छे से पुकारे और एक दोस्त की तरह बात करें। आपको नींद भी ठीक से नहीं हुआ, सुबह उठ रहे हो जस्ट टू गेट कि नहीं पंडित जी ने बोला है कि सुबह उठ के अगर मैं ये करूँगा तो मेरा वो काम हो जाएगा। क्या वाकई में ऐसा चीज़ होता है कि अगर आप और मैं दोस्त हों, क्या आप मेरे को प्लीज़ करने के लिए सुबह उठ के कॉल करोगे और उसके बाद आपको ये नहीं पता होगा कि मैं सच में क्या पसंद करती हूँ या फिर करता हूँ, व्हाटएवर। सो अंडरस्टैंड योर नीड कि क्या ज़रूरी है इस टाइम पे, क्या सिर्फ पूजा करना ही ज़रूरी है या फिर भक्ति के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं श्रीवाला माँ आपको यही बोल रहे कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। आप इस टाइम पे पीछे नहीं मुड़ सकते हो। आपको पता है कि इस दुनिया बहुत ही टफ है और कहीं ना कहीं आपके जैसे पर्सन इस दुनिया को ज़रूरत है। आपके इनोसेंस, आपके अंदर के जो प्योरिटी, आपके अंदर के जो ग्लो, ये हर पाप, हर नेगेटिविटी, हर तरीके का नेगेटिव अटैचमेंट्स को हटा सकता है। कहीं ना कहीं माँ इस वक्त फोकस कर रहे हैं आपके एनर्जी के ऊपर। ऐसा आपको लग सकता है कि आप काफ़ी नहीं हो, ऐसा आपको लग सकता है कि आप गुड इनफ नहीं हो, बट ट्रस्ट मी, माँ बार बार आपको फोकस करने के लिए बोल रहे हैं आपके अंदर की इनर पावर के ऊपर। माँ दिख पा रहे हैं कि आप आने वाले टाइम पे बैटल को विन कर रहे हो, आने वाले टाइम पे आप लोगों को रॉन्ग प्रूफ कर रहे हो, आने वाले टाइम पे आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन दुनिया आ रहा है और आप जो चीज़ चाह रहे थे माँ से, वो चीज़ आप खुद अपने बलबूते पे अचीव करोगे। तब जाके आपको ये डाउट्स नहीं आएगा, तब जाके ये फ्रस्ट्रेशंस आपको नहीं आएगा। यू नो, आपके लाइफ में एक गोल है, आपके डीएनए, सोल डीएनए पे पास्ट लाइफ से एक ग्लोरी है, माँ का आशीर्वाद है। तो आप एवी अपना लाइफ नहीं लीड करोगे इस दुनिया पे, इस धरती पे, इस जन्म में आप आए हो लीड करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नहीं, बट सभी चीज़ सीखना ज़रूरी है। सो जो भी जिस तरीके का स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, ये एक पार्ट है आपके लाइफ का, ये ही आपके लाइफ नहीं है। आप बहुत ही जल्दी एक ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। सो ब्रेक थ्रू क्या, ये हर सोल के लिए डिफरेंट तरीके का ब्रेक थ्रू है, बट ये बात ये नहीं है कि ब्रेक थ्रू क्या मिलेगा और कब मिलेगा। बात ये है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हो। लाइक जब हम
जब आप जिम ज्वाइन करते हो तब एक दो एक्सरसाइज करने के बाद पेन आ जाता है, और थर्ड डे पे जब आप जा रहे हो तब आपको ऐसा लगता है कि क्या और भी दर्द क्या बाकी है, क्योंकि दो तीन दिन से तो आपका पूरा बॉडी में पेन है। तीन दिन के जब वो पेन को आप सहते हो और आप काम करते हो, मतलब एक्सरसाइज करते हो, तब जाके वो पेन घट जाता है। सो कहीं ना कहीं माँ आपको यही बोल रही है कि अभी फिलहाल का जो पेन है, जो डिस्कम्फर्ट है, जो नेगेटिविटी है, वो इसीलिए है क्योंकि आप इस सिचुएशंस में नए थे, आपको कोई आइडिया नहीं था, आपको लाइफ के बारे में कोई आइडिया नहीं था। अभी आपको लाइफ लेसन मिल रहा है और धीरे धीरे आप हैबिचुएटेड हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो अपनी लाइफ को, और आप कॉन्फिडेंट भी बन रहे हो। सो यहाँ पे कोई आपको और हरा नहीं सकता है, इन द लॉन्ग रन कोई आपको हरा नहीं सकता है। सो फोकस कीजिए वो बड़े पिक्चर के ऊपर, फोकस कीजिए अपने जीत के ऊपर, फोकस कीजिए अपने बिलीव के ऊपर, फोकस कीजिए अपने डिटर्मिनेशन के ऊपर। जो भी प्रेजेंट स्ट्रगल है आपके, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है और आपके लिए लाइफ आसान हो जाएंगे। ये मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके लिए लाइफ आसान हो, बट मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सबके लाइफ को आसान बनाओगे, आप खुद के लाइफ को आसान बनाओगे। सो कोई चीज़ आपको मुफ्त में मिले ये मैं नहीं चाहता हूँ। एज योर ब्रदर मैं चाहता हूँ कि आप छीन लो ये सारे चीज़, और उसके बाद आपको एक प्रॉपर आइडिया मिले कि हाँ ये चीज़ कोई भी पर्सन अचीव कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अगर आप अपने भक्ति के ऊपर फोकस करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने आशीर्वाद के ऊपर फोकस करते हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने प्रार्थना के ऊपर फोकस करते हो, सो यू कैन विन एनी बैटल। एंड ये है माँ श्री बाला की स्टोरी, क्योंकि जब बाला सुंदरी ललिता त्रिपुर सुंदरी को बोल रहे थे कि माँ मेरे को युद्ध में जाने दो, क्योंकि एक बहुत ही भयानक असुर स्वर्ग राज्य को आक्रमण किया था और वो असुर को कोई वध नहीं कर पा रहा था। सो क्या हुआ था सीन के, जब एक टाइम पे असुर के पावर बहुत बढ़ गए थे और उन लोगों को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। सो इस टाइम पे जब असुर लोग आक्रमण कर रहे थे और एक एक देवता पराजित हो रहे थे असुर के सामने, तब जाके देवता को पता चला कि ये जो असुर है इनको एक ही बाला यानी कि वर्जिन वेमेन ही इसको ख़त्म कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई ये असुर को ख़त्म नहीं कर सकता है। तब जाके बाला सुंदरी ललिता त्रिपुर सुंदरी जो उनके माँ है उसको बोला कि मैं हूँ वर्जिन और मैं ये लड़ाई लड़ सकती हूँ। बट देखिए बाला सुंदरी को कितना छोटी बच्ची है, सो ललिता त्रिपुर सुंदरी तो उसको एकदम ही जाने नहीं दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि तुम जाके क्या करोगे, तुम तो अभी बहुत ही बच्ची हो। बट माँ ने कन्विंस किया ललिता त्रिपुर सुंदरी को एंड वो बैटल पे मार गए और सारे डीमंस को मार के हराए, इतनी छोटी सी थी वो। तो इसीलिए बाला सुंदरी जब अपीयर करते तो इसका मतलब है कि आपके लाइफ का जो चैलेंजेस है वो बहुत बड़ा है। बट ये चैलेंजेस में आप कितना भी छोटे पोजीशंस पे आप क्यों ना हो, ये चैलेंजेस को आप बीट करोगे, ओवरकम करोगे और ख़ुद के वैल्यू को आप इस्टेब्लिश करोगे, तब जाके आपको रियलाइज़ होगा। ये जो लोग टेडेक्स में बोलते हैं, ये जो लोग बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी लाइफ के स्टोरी बोलते हैं, शायद आप भी सुने होंगे, तो वो सक्सेसफुल कैसे बने? उसको कोई गिफ्ट्स मिला ना, उसको कोई ब्लेसिंग्स मिला ना, उसको कोई स्पेशल लास्ट लाइफ से कुछ चीज़ मिला? नो, कुछ नहीं। ये लोग अपने लाइफ से सीखे एंड लाइफ से जो भी सीखे उसको अप्लाई किए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखते नहीं हैं, हम लोग पहले ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। काली माँ हर चीज़ को सिखाते हैं, इसीलिए लोग डरते हैं। सो अभी जो चैलेंजेस है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, आपके जो एफर्ट्स है वो वेस्टेड नहीं जाएगा। और जब धीरे 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 एक एक करके बात आपको समझ में आ जाएगी और आपको अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चलेगा, तब जाके आपको ऑटोमेटिकली जीत मिलेगा। बट ये जीत बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है। सो आपके प्रेजेंट स्ट्रगल के ऊपर फोकस मत कीजिए, आप अपने गोल के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके एफर्ट्स एकदम अभी भी ऑन हैं और आप एफर्ट्स दे रहे हो, वो भी माँ देख रहे हैं। कॉन्फिडेंस इज द की, आप गिव अप मत कीजिए, आप अपना तरीका चेंज कीजिए, आप लाइफ को जिस नज़रिए से देख रहे थे उस नज़रिए को चेंज कीजिए। बट सक्सेस आप ही का है और जो चीज़ आपके लाइफ में है, जो चीज़
आपके सोल डीएनए के साथ जुड़ा हुआ है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। सो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ आपको मुफ्त में नहीं मिलता है लाइफ में, आप उस चीज़ को हासिल करते हो। आई थिंक आप वो हैप्पीनेस को, वो ज़िंदगी को हासिल कर रहे हो। आई थिंक आप फोकस करिए अपने इनर स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने इनर कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने मैनिफेस्टेशंस के ऊपर, क्योंकि अगर आपका इरादा सही है तो माँ भी आपके सामने आके वो रिजल्ट्स को आपके सामने दे देंगे, माँ वो छीनेंगे नहीं कभी। ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ श्री बाला, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनीवन, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लाइफ में एक नया बिगिनिंग लेके आए। सुबह का वीडियो तो आ नहीं पा रहा था साउंड, आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को मदद करेंगे बहुत ज़्यादा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।